आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, दिल्ली में रहता हूँ। यह मैं आज थोड़ा दिल्ली की जनता से केजरीवाल जी के गिरफ्तारी का जो डर दिखा रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि वो मोदी जी के विरोध में, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, यह भी उसमें मिले हुए हैं, मेन यही है। लेकिन केजरीवाल का तो कहना है कि ईडी सबूत दिखाए, जो कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया था ये आपका इस शराब नीति के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, ईडी से सवाल पूछा था कि सबूत आप दिखाइए, क्या सबूत है। तो मुझे लगता है जो बीजेपी जा रही है, अभी इलेक्शन आने वाली है, तो इंडिया अलायंस जो पार्टी बनी है, तो हो सकता है इस वजह से भी ये ईडी का डर दिखा के केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। और भाई जो भी सवाल आप कह रहे हो कि हो सकता है इनको अंदर कर, तो बहुत लोग कह तो कहते हैं ना कि इनके दो दो तीन तीन नेता अंदर चले जा रहे हैं। हाँ, तो पार्टी को कमज़ोर करने का ये है ना, ये पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। जब जब नेता ही नहीं रहेंगे तो फिर जनता के बीच जाएगा कौन, पार्टी की बात कौन रखेगा। दिल्ली में जिस तरह से काम हो रहा है, ये काम किया है केजरीवाल ने या मोदी जो कर रहे हैं मोदी जी, तो यहाँ पार्टी के जो नेता होते हैं वही होते हैं जो जो अपनी जो भी वो करते हैं वो जनता के बीच लाते हैं। जब वही नहीं रहेंगे तो बात कौन रखेगा। कहाँ जा रहे हैं? अरे इतना ठंड में घर रहते हैं साहब, कौन धंधे जाने पड़ता है? काम धंधे पे तो जाने पड़ता है साहब, क्या मजदूरी पे तो जाने पड़ता है। अभी नौकरी करते हैं? हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? खिजरीपुर। मैं जरा ये केजरीवाल सरकार पे जो आरोप लग रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं हमें फंसाया जा रहा है, आप क्या मानते हैं? सर हमें इस बारे में कोई पता नहीं कुछ, हम इस बारे में केजरीवाल की सरकार का काम नहीं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, देखो हम तो किसी को बुराई नहीं कर सकते। सभी का नहीं, केजरीवाल पूछ रहा हूँ उनकी सरकार का काम ठीक है कि नहीं, ऐसा हमें इस बार का पता नहीं है, देखो हम वैसे। अच्छा एक सवाल बताओ, केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं और जेल में चले जाते हैं तो उनको जेल में से सीएम रह के सरकार चलानी चाहिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए? मुझे पता नहीं इस बारे में, मैं नहीं कह सकता। अच्छा आज कौन सा दिन है जी? आज दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार है सर आज। चलो ये तो पता माहौल क्या है, मैं अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। अब मैं लक्ष्मी नगर बस स्टैंड पर आ गया हूँ जानने के लिए केजरीवाल को लेकर के दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, हो रही है तो सियासी है या भ्रष्टाचार हुआ है, आम लोग क्या मानते हैं, तो आप क्या मानते हैं? मैं तो ये मान रहा हूँ ये मोदी योगी पीछे पड़े हुए हैं, बस इनको किसी तरह मतलब चुनाव में तो इनसे जीत नहीं पाते, इनको पार्टी से सामने से हटा दो, मैदान से हटा दो, ये मुझे तो ये पॉलिसी लग रही है। लेकिन आरोप तो लगा है ना? आरोप लगा है, वो किसने लगाया क्या है उस चीज़ की तो अभी देखिए, कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाई ठीक नहीं, अभी मोहल्ला क्लिनिक में बता रहे हैं कि किसी प्राइवेट लैब को फायदा देने के लिए वो पूरा पूरा मामला बन गया। अब वही है, जब उनको काम ही नहीं करने दे रही है सरकार, कभी राज्यपाल के जरिए उनकी ताकत उनकी पावर सब कुछ छीन लिए हैं, काम करने भी नहीं देते हैं और फिर उसको कहते हैं काम नहीं हो रहा है। लेकिन बताइए आज तक कोई योगी जी की बस नजर आई है यहाँ? केजरीवाल जी चल रही है जैसे दे दे करके लोग धक्के बैठे हैं दिल्ली में, केजरीवाल के बस चलेगी कि योगी ना ले जा रहे हैं ना, वो गाजियाबाद नोएडा वालों को उनकी बस ले जा रही हैं, बताइए हम आज तक हम एक घंटे से बैठे हैं सर, अभी हम भी कोई बस है योगी जी की, केवल फोटो है हीरा, किसी ने मकान बनाए किसी ने क्या करा कौन किसको पता कहाँ है ये पक्के घर की खुशियाँ आई, झूठी बकवास है कि कोई भी दिल्ली का बस स्टैंड नहीं है जिसमें योगी जी का मोदी जी का फोटो न लगा। फोटो है लेकिन बस ही नहीं चला पाए, नोएडा यूपी के लोग बैठे हैं कि घंटा हो जाता है, फरीदाबाद NCR की थोड़ी बहुत जो इन्होंने चला रखी है केजरीवाल जी की मेहरबानी से चल रही है, काम ही नहीं करने देते, परेशान है जनता। मैं तो आप तो ऐसा बता रहे हैं, अरे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ना कि दिल्ली में कतिश के आरोप सब पे लगे हैं, और आरोप आरोप है, हकीकत में क्या है ये कौन जानता है बताइए। आरोप लगाना तो बहुत आसान है, किसी पे भी लगा दीजिए आप।
आप बहुत मुंह हिला रहे हैं, इनकी बात से सहमत है क्या? हाँ जी सर, हाँ जी। क्या ये तो है पर। क्या बात? ये तो है, यहाँ पे कोई सर्विस तो है नहीं सर। अरे यहाँ सर्विस की बात तो नहीं, यहाँ बात हो रही है केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें बीजेपी के इशारे पे गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। नहीं, वो उनके ने अपने काम है, केजरीवाल के अपने काम है, उनका अपना मास्टरमाइंड है केजरीवाल का। क्या उन्होंने अपने किया हुआ है, जो भी किया हुआ है। क्या किया है? जो भी किया हुआ है सर, वो उनके उस पर है, जो काम किया हुआ है। अब वो सामने नहीं आ, अब सामने आ रहा है तो वो बोल नहीं पा रहे। वो सबूत लाए ना, उनके पास आए सबूत है। वो तो कह रहे हैं एजेंसी सबूत लाए, एक पैसा मिला नहीं हमको खाली। वो सब सर आपको भी पता है, आप भी मीडिया में हैं, उनको सब पता है केजरीवाल ने सारे काम किए हुए। आपको लगता है केजरीवाल की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ? हुआ है, हुआ है। अरे यार आप इनके बात पर मुंह हिला रहे थे। हम हुआ हुआ है, हुआ हुआ है। ये गिरफ्तारी से डर रहे हैं? हाँ जी। तो इन आपको लगता है कि वो उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी जी के साथ हैं, जो बीजेपी के साथ हैं, वो धुल जा रहे हैं उनके सारे पाप, जो उनके विरोध में खड़े हैं? सामने लाए ना केजरीवाल, सामने लाए बीजेपी का, केजरीवाल को ये लग रहा है वो सामने लाए। अरे यार आपको लगता नहीं है इतने सारे नेता जो दूसरी पार्टियों में थे, जब इनके में आ गए तो जांच रुक गई? ऐसे नहीं होता सर। एनसीपी के नेताओं के बारे में मालूम है आपको? नहीं, उनके बारे में नहीं, नहीं उनके बारे में नहीं। अजीत पवार का नाम सुने? नहीं सर। अब आपकी गलती नहीं है। हाँ जी।